खबर गाजीपुर जनपद से, जहां सहित पूर्व वन विभाग द्वारा वन्य जीव प्राणी सप्ताह के अंतर्गत स्थानीय टाउन इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी भावनाओं को रंगों के माध्यम से पेपर पर उकेरा, जिसमें उन्होंने वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का चित्रण किया। प्रतियोगिता में शिवांगी यादव कक्षा 11 प्रथम, जया मोदनवाल कक्षा 9 द्वितीय, आशीष कुशवाहा कक्षा 10 ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। 5 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें काजल वर्मा, यसी वर्मा, कोमल कुमारी, खुशी चौहान तथा प्रियांशु प्रजापति शामिल रहे। वन क्षेत्राधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलाया जाता है। इसमें छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती है। प्रतियोगिता संचालन में प्रधानाचार्य अनिल कुमार विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक अनिल थाम, डॉक्टर हरि प्रकाश वर्मा, वन दरोगा यश योगेश, भारती राम बच्चन, राम गोविंद यादव, राजेश यादव, उत्तम वर्मा आदि लोग सहयोगी मौजूद रहे। मेरा नाम शिवांगी यादव है और मेरे पिताजी का नाम श्री रमेश सिंह यादव है। मैं क्लास 11 B2 की स्टूडेंट हूँ। तो आप जो ये है वन्य जीव प्राणी, अब जो ये लायन सरसा जो है, इसका मेरा यही है कि जीव की रक्षा करनी चाहिए और हम लोग को जीव के लिए, मतलब वन को अपनी सुविधा के लिए वनों को काट रहा है और पूरा जो वन को काटेंगे तो जीव तो रहेंगे नहीं। तो ये धीरे धीरे वन्य जीव वन्य प्राणी जैसे विलुप्त भी हो रहे हैं, बहुत सारे भी प्राणी जो हैं वो विलुप्त हो गए हैं। इसके लिए जानना चाहता है कि आजकल शिकारियां बहुत हो गए हैं अपने, मतलब पेट के लिए लोग शिकारी करके इन सब को हिरन हो गया, इन सब को खा जाते हैं। इस चित्र के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि पेड़ पौधे ऐसे ही कट रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग के आने वाले समय में पेड़ पौधों की, मतलब जो पेड़ पौधे समाने बनती थी, धीरे धीरे लग रहा है नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। ये इनसे ही हमें ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारे मतलब फायदे हैं। इसलिए हर साल हम लोग 1 से 7 अक्टूबर के बीच में शासन द्वारा पूरे प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इसलिए स्कूल में, कॉलेज में इसलिए भी मनाया जाता है कि ताकि हमारा जो वन्य जीवों को बचाने के लिए, खासतौर से बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मानसिकता को हमको उसके करने के लिए कि हमको अगर हमारे वन्य जीव अगर नहीं बचेंगे, ये नहीं रहेंगे तो हम सब भी नहीं रहेंगे। हमारी सोच ये है, हमारी शासन की सोच ये है, हमारी सरकार की सोच ये है। इसलिए हर साल हम लोग 1 से 7 अक्टूबर के बीच में ये वन्य जीव प्राणी सप्ताह। आज जो प्रतियोगिता आप की गई वह चित्र के द्वारा यह दिखाना कि वन्य जीव जो है ये अगर नहीं हो तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी और इनका संरक्षण कैसे हम करेंगे। इतनी थीम हम चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करें, उसी से संबंधित यह प्रतियोगिता रखी गई थी। जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाए, हम उनको बधाई देते हैं। हमारे 5 बच्चे सांत्वना पुरस्कार पाए और बाकी सारे बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता, ध्यान रहे, प्रतिवर्ष मनाई जाती है। किसी वर्ष निबंध प्रतियोगिता के रूप में आपके विद्यालय में होता है तो किसी वर्ष कला प्रतियोगिता के, और ये हम यहाँ पे ख्याल आ रहा मुझे कि ये 3रा साल है लगातार हर वर्ष यह प्रतियोगिता मनाई जाती है और जितने लोग भाग लेते हैं हमारी तरफ से प्रयास होता है कि कोई न कोई पुरस्कार को दिया जाए, कोई न कोई इसमें जो है पत्र इसमें दिया जाए, प्रमाण पत्र दिया जाए। इतने सारे बच्चों को सर देख के ये भी लगता है कि इनके दिमाग में भी इनको वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इनके सोच है कि नहीं, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम सब भी नहीं रहेंगे। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।